सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर जीवन में खुशी चाहते हैं तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें। सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो केवल खुशी ही मिल पाएगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो खुशी के साथ सफलता भी मिल जाएगी। छोटी छोटी खुशियाँ ही जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती है। आज का पंचांग 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 10:21 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र दोपहर 1:33 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आज से गणगौर व्रत प्रारंभ हुआ, गणगौर व्रत की शुभकामनाएं। 7 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार। अगर आप अपना समय और ऊर्जा गरीब और कम सुविधा प्राप्त बच्चों को शिक्षा देने में लगाएंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। अपना कुछ सम्मान किसी जरूरतमंद को दे दें। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, आप ऐसे से भी किसी की मदद कर सकते हैं। आप नए लोगों से जल्दी ही परिचय भी कर लेते हैं और सबकी जरूरतों का ध्यान रखने के कारण आपकी लोकप्रियता भी है। कुछ सकारात्मक विचार विमर्श होंगे। लंबे समय से चल रही किसी चिंता तथा तनाव के कारण भी राहत मिलेगी। कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर सोच विचार कर लें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। कुछ बातों में रुकावट होने से आपके अंदर की बेचैनी बढ़ेगी और क्रोध भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लक्ष्य है उससे जुड़े विचारों का अवलोकन ठीक से करें। पिछले कुछ दिनों में जो भी घटना हुई है उनके कारण जीवन में क्या बदलाव आया है इस बात पर ध्यान देकर काम करें। करियर संबंधित टारगेट काफी बड़ा होगा, लेकिन उसे प्राप्त करने की क्षमता आप में है। अहंकार और गुस्से में बोली गई बातों के कारण पार्टनर के साथ विवाद होगा जो आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकती है। बढ़ता हुआ तनाव नींद पर असर कर सकता है। सावधानियां, इस समय भूमि के खरीद बिक्री संबंधित कार्यों में अधिक लाभ की उम्मीद न रखें, क्योंकि ज्यादा पानी की चाहत में नुकसान भी हो सकता है। अपने व्यवहार को सहज तथा सौम्य बनाकर रखें। विपरीत समय जल्द ही बीत जाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। विवाहित जीवन खुशनुमा रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से आपसी मेल मिलाप सबको खुशी प्रदान करेगा। अगर आप अपने प्रिय साथी के साथ कुछ प्रेम के पलों का आनंद लेने का सपना देख रहे थे तो आज का दिन इसके लिए उपयुक्त है। अपने घर के दायरे में या प्रकृति के कहीं आसपास एक साथ इस दिन का आनंद लें। शीतल प्रकाश सुगंधित द्रव आपके प्रेम की ज्वाला को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ें, आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। बात करती है करियर की। आज के दिन जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के अच्छे अवसर एवं पदोन्नति मिल सकती है। अगर आपने सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको शुभ संदेश मिल सकता है। ये समय किसी दूसरी नौकरी जैसे कि प्रशासनिक कार्य के आवेदन के लिए भी अच्छा है। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं, व्यवसाय में विस्तार संबंधित योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है। सरकारी कामों से संबंधित किसी कागज व दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें और ऑफिशियल यात्रा का भी ऑर्डर मिल सकता है। बात करती हैं सेहत की। आपके लिए आज कुछ सरप्राइज होंगे, लेकिन चिंता ना करें, ये सब अच्छे ही होंगे। कुछ ऐसी चीजें जिनके होने का आप काफी लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे हैं आज पूरी हो सकती है। आप जिन प्रयासों को व्यर्थ मान चुके थे आज उनका फल भी आपको मिल सकता है। इसलिए आज रात दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेट करें
हो सकता है कि उनके पास भी आपके लिए कोई अच्छी खबर हो। आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।